राजा साहब, मधु को अस्पताल ले जाने से इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? अरे अस्पताल लोगों को बचाने के लिए होते हैं, इलाज करने के लिए। मरीज को अस्पताल नहीं तो कहां भेजा जाए? राजा साहब, मैं आपका दोस्त भी हूं और आपका रिश्तेदार भी। मधु आपकी पत्नी जरूर है, लेकिन मेरी भी इकलौती बहन है वो। आज 3 महीने हो गए उसे बिस्तर पर पड़े हुए, वो बहुत कमजोर हो गई है। डिलीवरी के लिए उसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है राजा साहब। देखिए, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, ये आपको गलत सलाह नहीं देंगे, इनका कहना भी यही है। देखिए राजा साहब, मैंने आपके बीवी को अच्छी तरह से चेकअप किया है और मेरे ओपिनियन में इस बार ऑपरेशन करके उनको बच्चे को जन्म देना होगा। देखिए, अस्पताल ना जाने की जिद छोड़ दीजिए राजा साहब। देर करने से बच्चे और मां दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है, दोनों मर सकते हैं। नहीं वीरू, चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार मधु इसी घर में रहेगी, बच्चा यही पैदा होगा। तुम क्या बात कर रहे हो, जब डॉक्टर खुद कह रहे हैं उसे अस्पताल ले जाना जरूरी है। क्या किया है हॉस्पिटल ने? 4 बार हॉस्पिटल ले जा चुका हूं मैं और 4 बार मरे हुए बच्चे पैदा हुए मेरे। पता नहीं कौन सा गुनाह किया मैंने जिसकी सजा मेरी बीवी और मेरे बच्चे भुगत रहे। और आपके स्पेशलिस्ट ने भी क्या किया, तस तस स्पेशलिस्ट को दिखाया मैंने, कोई नहीं बचा पाया ना उनको। कोई भरोसा नहीं है मुझे आपके हॉस्पिटल पर। यही रहेगी वो, इसी घर में बच्चा पैदा करेगी। क्या मेरा बच्चा किए जा रहे हो? तुम्हारा बच्चा मेरा कुछ नहीं लगता क्या? वो मेरी बहन का भी बच्चा है और मैं उसे अस्पताल ले जाके नहीं जाने दूंगा हॉस्पिटल। मुझे हॉस्पिटल पर विश्वास नहीं है। अगर तुम लोग इसी तरह जिद करते रहोगे तो तबाह कर लूंगा मैं अपने आपको, मार डालूंगा मैं अपने आपको। राजा साहब, ये सिर्फ तुम्हारी जिद है। ये मेरी जिद नहीं है, मेरा विश्वास है। मुझे यकीन है अब की बार मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। हाँ, जीजा जी की बात मान ली हमने, तुम्हें अस्पताल नहीं जाना होगा। बड़ा आप प्यार करते हैं तुमसे। अभी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैं गोली मार दूंगा अपने आपको। आप दोनों का प्यार देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। अब वीरू, तुम भी शादी कर लो, फिर देखना जिंदगी का मजा। हाँ भैया, इनकी बात मान लो, मेरे लिए एक भाभी। अरे दीदी, बस तुम ठीक हो जाओ, फिर एक क्या दो दो भाभियां ले आऊंगा। जीजा जी, ऐसे इधर उधर चलते चलते 4-5 किलोमीटर तो पूरे कर लिए होंगे आपने। जब तुम्हारी बीवी को ये तकलीफ होगी ना, तब पूछूंगा तुमसे, जान निकल जाती है। मैं ये नौबत ही नहीं आने दूंगा जीजा जी। शादी से पहले आप काफी समझदार आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब आपकी ये हालत देखकर मेरा तो दिल भर गया शादी से। तूने कुछ सुना क्या, या मेरे कान बज रहे हैं? अरे आपके कान कोई रेडियो नहीं है जो बजने लगे, ये मेरे भांजे की आवाज है। अरे तो फिर गले मिलना मेरे यार। राजा साहब, लो डॉक्टर साहब भी आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो राजा साहब, आपके बेटा पैदा। डॉक्टर कांग्रेट्स। मधु कैसी है? शी इज ऑल राइट, अच्छी है। आप पिलो ना, पियो, चीयर्स। राजा साहब, तब तो जश्न होना चाहिए। चमक छल्लो आए हाय, चमक छल्लो आए, तू नाच छम छमा छम 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 छम। चमक छल्लो हाँ हाँ, नाचेगी छम छमा छम 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 छम। ए राजा मोहे चांदी की दई दे पायल, सोने के दई दे कंगना, मोहे चांदी के दई दे पायल, सोने के दई दे कंगना। नाचूंगी सारी रतिया राजा जी तोरे अंगना, नाचूंगी सारी रतिया राजा जी तोरे अंगना। चमक छल्लो आए हाय हाय हाय, तू नाच छम छमा छम 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 छम।
छल्लू आए हाय हाय तू नाच छम छमा छम 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 छनन छनन छुम झनक झनक झुम त्रिगड़धा त्रिगड़धा धात्रगड़ तक धात्रगड़ तक धात्रगड़ तक धात्रगड़ तक कर्णक तिलकर धातर कर तक कर्णक तिलकर धातर कर तक कर्णक तिलकर धातर कर तक धातर कर 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 छमिया तोरी नंगी है गलैया खन 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 केंगी आ पहना तू तो है चूड़िया चमक छल्लू है तू नाच छम छमा छम 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 गुड मॉर्निंग बेटा जाग गए चलो उठो 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 धूप चढ़ गई है अभी उठो हाँ शाबाश सुबह जल्दी जल्दी उठना चाहिए बेटे हाँ माँ को प्रणाम करो बेटे शाबाश मधु तुम तो हमें छोड़कर चली गई मगर तुम्हारे आखिरी निशानी को मैंने सीने से लगाकर रखा है हर पल इसे मैं अपने पास रखता हूं अपने करीब रखता हूं अब मेरी जिंदगी का मकसद यही है सिर्फ मेरा बेटा विजय
वाह इधर देखो, वाह वाह शाबाश, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारा बहादुर बेटा बड़ा हो गया है, अब हम आपके लिए एक टीचर लाएंगे जो आपको इसी घर में पढ़ाई करेंगे। ए बी सी डी आ ई ई ऊ ऊ भी पढ़ेगा हमारा बेटा, स्कूल जाके पढ़ेगा। अरे भाई स्कूल, पागल हो गए क्या? अरे पागल होने की क्या बात है, तुम इसकी उम्र में स्कूल नहीं जाते थे क्या? हाँ जाते थे, मगर हम सात भाई थे, हम इकलौते नहीं थे। अरे तो इसमें इकलौते दुकलौते का क्या सवाल है जीजे? अरे सवाल है, बच्चे को स्कूल में चोट लग सकती है, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, किडनैप भी तो हो सकता है। अरे जीजे कभी कोई अच्छी बात भी सोचा कर इसके बारे में। विजय बेटा, हमारा बेटा स्कूल जाएगा ना? आज जाएगा। नहीं 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 बेटे, स्कूल बिल्कुल नहीं जाना, स्कूल में टीचर आपके कान पकड़ेंगी, आपको डंडे से मारेंगी, बिल्कुल मत जाना। मैंने कह दिया विजय स्कूल जाएगा तो जाएगा, बस बात खत्म। नहीं मेरा बेटा घर पे ही पढ़ेगा। वो स्कूल जाएगा घर पे पढ़ेगा। स्कूल जाएगा घर पे। स्कूल जाएगा घर। स्कूल घर। स्कूल घर। स्कूल घर। घर रहेगा स्कूल घर। स्कूल घर। स्कूल। अब आ गए ना सही रास्ते पर। तो फिर ठीक है, इसको स्कूल छोड़ने भी मैं ही जाऊंगा, लेने भी मैं ही जाऊंगा, और सारा दिन मैं स्कूल में ही रहूंगा। हाँ ठीक है, आप भी दाखिला ले लीजिए इसके साथ नर्सरी में। हाँ विजय, तुम और तुम्हारे पापा एक ही साथ पढ़ेंगे, एक ही क्लास में। विजय बेटे बिल्कुल नहीं डरना, हम रोज आपको अपने साथ लाएंगे, इसी तरह यहाँ क्लास में बैठेंगे और फिर घर भी वापस ले जाएंगे। हाँ ठीक है। कौन है आप? जी मैं विजय का बाप हूँ, ये मेरा बेटा है। यहाँ तो किसी न किसी का बेटा पढ़ता है, अगर हर बच्चे के माँ बाप यहाँ आकर बैठेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? प्लीज आप बाहर जाइए। लेकिन आज पहला दिन है इसका और अकेले में डरता है ये। अरे डर की क्या बात है, हम है ना इधर, लाइए। मगर टीचर। जाइए प्लीज, आप बाहर जाइए प्लीज, जाइए जाइए। आप क्या हुआ? आप बच्चे को मारेंगे तो नहीं? हम क्यों मारेंगे? अक्सर स्कूल में टीचर लोग बच्चों के कान खींचती हैं और उनके सर पर टप्पू मारते हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे ना तब मारते होंगे, आजकल कोई नहीं मारता है, हम तो बच्चों से प्यार करते हैं। अब आप जाइए और हमें क्लास लेने दीजिए। अच्छा बेटा बिल्कुल नहीं घबराना, मैं स्कूल के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ अच्छा। देखो बच्चों, तुम्हारा ये नया दोस्त आया है विजय, आज से ये तुम लोगों के साथ पढ़ेगा। यहाँ बैठो। मदर मेरी, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, टीचर बहुत सख्त लगती है। हजूर बहुत गर्मी है, ब्रेक लगा के जरा छतरी के नीचे आ जाइए। देखा सुलेमान, मैं अपने बेटे को घर पे ही पढ़ाना चाहता था, मगर वीरू ने जिद करके उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। लेकिन हजूर बच्चा स्कूल में ही पढ़े तो अच्छा रहता है। क्यों, तू भी कभी स्कूल में पढ़ा था? मैं नहीं पढ़ा, इसलिए तो हजूर मैं आपका ड्राइवर हूँ। तो क्या पढ़ लेते तो मेरे पार्टनर बन जाते? गुस्ताखी माफ, फिर गलती हो गई। छतरी सीधी तरफ पकड़। सीएटी आरएटी सीएटी। सुलेमान जी मालिक, ये छतरी तुम आपने ले लाए हो? माफ करना हुजूर, फिर गलती हो गई। छुट्टी हो गई, छुट्टी, चलो। राजा बेटा शाबाश, तुम्हें टीचर ने मारा तो नहीं? नहीं टीचर बहुत अच्छी। लेकिन तुम्हें पसीना क्यों आ रहा बेटे? गर्मी लगती है। अरे बाबा मेरे बेटे को गर्मी लग रही है। कम इन। हेलो मिस्टर मेरा। राजा साहब आइए आइए बैठिए। हाँ नीचे रखो नीचे। ये सब क्या है? दरअसल मेरे बेटे को क्लासरूम में बहुत गर्मी लगती है, मैंने सोचा कि उसके क्लास में एक एसी लगवा दूं। आई एम सॉरी राजा साहब, ये नामुमकिन है, इसलिए कि हर बच्चा शायद एसी की हवा बर्दाश्त ना कर सके, और फिर हमारे स्कूल में 50 कमरे हैं, हम सिर्फ एक रूम में एसी कैसे लगवा सकते हैं? आप कहें तो पूरे स्कूल में एसी लगा दूं। जी नहीं शुक्रिया, स्कूल पढ़ाई के लिए होता है, आराम के लिए नहीं। देखिए मैंने अपने खुद के रूम में एसी नहीं लगाया। मिस्टर मेहरा, मेरा बेटा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत ही नाजुक है वो। इस तरह आप उसे और भी नाजुक बना देंगे, उसे हर चीज की आदत डालिए,
हर हालात में जीना सिखाइए, वरना बड़ा होकर वो बहुत पछताएगा और आप उससे भी ज्यादा पछताएंगे राजा साहब। मगर मैं समझता था कि आई एम सॉरी राजा साहब, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो बाहर ले जाओ। ओके राजा साहब, सी यू, बाय बाय। इनको एहसास नहीं कि जरूरत से ज्यादा प्यार औलाद के लिए कितना बुरा हो सकता है। गॉड ब्लेस हिम। राजा साहब ये तो बताइए एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे राजा साहब गाड़ी चलाते वक्त सड़क के बजाय अपने बेटे के शक्ल की तरफ देख रहे थे, गाड़ी सीधी जाके पीपल के पेड़ में लगी। गाड़ी का तो जो होना था सो हुआ, पीपल का पेड़ भी बेचारा रो रहा है। शुक्र है कि विजय को कुछ नहीं हुआ। भाई दरअसल इसको खांसी बहुत जोरों से आ गई और मैं घबरा गया, क्योंकि इससे पहले आज तक किसी बच्चे को खांसी तो हुई नहीं। लो, अब आप गलत बात कर रहे हैं, हर बात पर टोकते रहते हैं आप मुझे। गलत बात नहीं है जीजा जी, बिल्कुल कायदे की बात है। आप इसे गिलगिला बनाने पर क्यों तुले हुए हो? जब से ये पैदा हुआ है आपने कारोबार में ही दिल लगाना छोड़ दिया, वो छोड़कर इसके ड्राइवर बन गए हो आप। भाई सुलेमान ड्राइवर किस मर्ज की दवा है? कैसी बातें कर रहे हैं साले साहब, मेरी तरह सुलेमान इसका ख्याल रखेगा? अरे क्यों नहीं ख्याल रख सकता, आपका कितना पुराना ड्राइवर है, थोड़ा सा अंधा है बस। ए सुलेमान इधर आ गया हुजूर। विजय को फौरन स्कूल लेके जा। जी सुनो, पहले अपने चश्मे देखो। चश्मा हुजूर इसका आप क्या करेंगे? ये लीजिए। अरे उधर छी 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 छी, कितना गंदा और पुराना हो गया ये चश्मा, अगर इसके साथ ड्राइव करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये ले मेरा चश्मा पहन कर देख ले। किधर है? बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। बेटे गाड़ी से उतर के जब तुम रास्ता क्रॉस करोगे पहले लेफ्ट को देखना फिर राइट को देखना, अगर वहाँ कोई गाड़ी खड़ी हो ना जब तक वो गाड़ी पास ना हो जाए सड़क बिल्कुल पार नहीं करना, समझ गए? चलो 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 बेटा जल्दी जाओ स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो चलिए चलिए छोटे सरकार चलिए आइए। आज पहली बार मेरा बेटा मेरे बगैर स्कूल जा रहा है। और आज जीजा जी आप पहली बार मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। क्यों, पहले अच्छा नहीं लगता था? आइए छोटे सरकार ब्रेक लगा के आइए, अब सड़क पार करें। पापा ने कहा था पहले राइट देखना फिर लेफ्ट देखना फिर राइट देखना फिर लेफ्ट देखना फिर सड़क पार। छोटे सरकार मैंने राइट लेफ्ट सब देख लिया है ब्रेक लगा के, अब चलो सड़क पार करें। आओ आओ आओ, आइए आइए, रुकिए, चलिए चलिए चलिए। मुन्ना बड़ा प्यारा, मुन्ना बड़ा प्यारा, पापा का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा कोई। छोटे सरकार अब अपनी क्लास में जाइए, मैं स्कूल खत्म होने तक बाहर कार में आपका इंतजार करता हूँ, और अच्छी तरह से पढ़ना बेटे, जा जाइए। अरे देख लेफ्ट राइट आ गया। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मालिक का मतलब नहीं समझता है क्या? दिखा इधर, बैग में कुछ खाने के लिए है क्या? अरे बैग वापस दे दे नहीं तो छोकरी रो पड़ेगी। हाँ हाँ दे दो वरना चुप कराने के लिए दूध की बोतल कहाँ से लाएंगे? हेलो पापा। हेलो बेटा। हेलो वीरू अंकल। अरे वीरू अंकल नहीं, वीरू बोल, वीरू सिर्फ वीरू, मेरी तेरी उम्र में फर्क ही क्या है? हैं दाढ़ी रख ली तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अभी भी जवान हूँ तेरी तरह। हाँ जवानी नहीं, दूध पीते हुए बच्चे हैं, रोटी को लोची कहते हैं। क्यों बेटे एक्सरसाइज की थी सुबह को? नहीं अंकल। अरे 50 दफा उठक बैठक किया कर रोज सुबह को। अरे बस करो मामा जी, इसका आज आखिरी पेपर है, इसे कॉलेज जाने दो अभी। जाओ भांजे जाओ। अच्छा अरे सुनो विजय, रास्ता पार करते वक्त जरा दाएं बाएं देखकर चलना। जी। ओफ़ जीजा जी, अब ये जवान मुश्टंडा हो गया, इतना लंबा चौड़ा, अब इसकी उम्र लेफ्ट राइट करके ये कार गाड़ियां देखने की उम्र नहीं रही, कुछ और देखने का जमाना है। अच्छा आप नहीं समझोगे, उम्र का तकाजा है। जा बेटा जा, पेपर अच्छी तरह। बाय पापा। बाय वीरू। बाय, ऑल द बेस्ट। कोई लड़की मिले तो लिफ्ट दे देना उसे। अरे साले साहब आप तो मेरे बच्चे को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अजी मैं इसे किस रास्ते पर ले जा रहा हूँ ये मुझे मालूम है,
लेकिन आपने इसे मिस्टर लल्लू राम बना के रखा हुआ है। सब मजाक उड़ाते हैं इसका कॉलेज में, मिस्टर लेफ्ट राइट कहते हैं इसे। और ये बेचारा किसी को कुछ नहीं बोल पाता, चक्रम समझते हैं सब इसको। ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह जुबान खोले और सबके साथ मारधार करता रहे? हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ, मेरी तरह हो जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दे। लेकिन आपने उसको ये सिखा रखा है कि कोई इस गाल पे थप्पड़ मारे तो ये वाला गाल भी फेर लो। और बाय द वे चक्रम का मतलब होता है बेवकूफ, आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं। साले का क्या मतलब होता है, आप मुझे साला साला कहते रहते हैं। नहीं बेचारा विजय, यार एग्जाम का टाइम हो गया, लेफ्ट राइट अभी तक नहीं आया। अगर वो लेफ्ट राइट नहीं आया तो? नहीं यार, अगर लेफ्ट राइट नहीं आया तो मैं फेल हो जाऊंगा, हर साल उसकी निकल करके तो मैं पास होता हूँ। अच्छा यार मैं चलती हूँ। नहीं सीमा रुक जाओ, मेरी मदद के लिए तो रुक जाओ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अरे लेफ्ट राइट आ गया। हाँ, लेफ्ट राइट आ गया, अब मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। आइए छोटे सरकार। ठहरिए, पापा ने कहा था कि पहले लेफ्ट देखना फिर राइट देखना, और अगर कोई गाड़ी ना देखे फिर सड़क क्रॉस करना। छोटे सरकार मैंने राइट लेफ्ट सब देख लिया है, अब आप इत्मीनान से सड़क पार करिए, चलिए आइए आइए। बच गया बच गया। अरे चश्मिश आज तेरी मुझको बहुत जरूरत है एग्जाम में। अच्छा अच्छा छोटे सरकार, आज मेरी सास ने ससुराल में बुलवाया है, लगता है आज मेरी फिर पिटाई होगी, आपको लेने इसलिए मैं नहीं आऊंगा, मेरा साला आएगा। ठीक है आप जाइए, अपना ख्याल रखना। अच्छा चल सुलेमान पिटने के लिए। अरे अरे लेफ्टिनेंट, तुझे देखकर तो मेरी जान में जाना गई। देख आज मैं तुझे नकल करने नहीं दूंगा, कल तो बाल बाल बच गए, अगर पकड़े जाते तो? तू नहीं करने देगा? नहीं। तो तू नकल नहीं करने देगा? नहीं। देख लेफ्टिनेंट, तू नकल करने देगा कि नहीं? कभी नहीं। नकल करने देगा कि नहीं? नहीं। नहीं। तू नकल करने नहीं देगा? नहीं। अरे चश्मा है ना, ये फोड़ डालूंगा। नहीं। चश्मा मत तोड़। हाँ? मैं तुझे नकल करने दूंगा। नकल करने देगा? हाँ। हाँ ये ले। चल, चल नकल करने दे। चल, चल। अरे, अरे चल। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा है? जी हाँ ये पेपर मेरा है। और ये गेट अप, ये किसका है? ये विजय का पेपर है, विजय ने मुझे चेक करने के लिए दिया है। विजय गेट अप, क्या तुमने इसे चेक करने दिया था? सच सच बोलो। सर इसने मेरा चश्मा तोड़ने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने दे दिया। सर ये सलाह हमें झूठ बोलता है। शट अप, नहीं बोलना। अपुन का भाई बहुत बड़ा दादा है क्या? तुम्हारा भाई दादा हो या परदादा, आई से गेट आउट। लेफ्ट राइट का बच्चे, तुझे मेरा भाई देख लेगा। आई से गेट आउट, तुझे मैं देख लूंगा। ये लो विजय, दोबारा किसी को कॉपी करने को मत देना। ओके सर। काफी दिन हो गए यार, कोई लड़की नजर नहीं आई। अरे कॉलेज तो खत्म होने दे यार, एक से एक लड़की दिखेगी। अरे कब? अबे चुप। अरे छोटे आ गया। अरे छोटे कॉलेज से आज जल्दी आ गया, क्या पेपर जल्दी खत्म कर दिया तूने? हैं पेपर नहीं खत्म हुआ, खत्म तो मैं हो गया, उस प्रोफेसर का बच्चा ने मुझे एग्जाम से बाहर निकाल दिया, और वो है ना लेफ्ट राइट के बच्चों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ए, लफड़ा करना तेरा काम नहीं है क्या? तू एग्जाम की तैयारी कर, चल उस लेफ्ट राइट के बच्चे को और प्रोफेसर को तो मैं देख लूंगा। ठीक है भैया। चल चल निकल। ए, पक्का चल रहे। गुरु गाड़ी आ गई। आइडिया। ओ ड्राइवर भाई, ओए रुक रुक। विजय तो अपने मामा के साथ में जा चुका है और अपने को बोला है कि तेरे को बोलने के लिए कि गाड़ी ले जाए। अच्छा सर।
राज अब मजा आएगा। आया साला, पकड़। अरे यार आई एम वेरी सॉरी यार, मेरे भाई की वजह से बहुत डांट सुननी पड़ी तुझको यार। आई एम ऑल्सो सॉरी राजन, मेरी वजह से एग्जामिनर ने तेरे भाई को क्लास के बाहर ही निकाल दिया। कोई बात नहीं यार, उसे भी माफी मांग लेंगे यार। अरे हाँ याद आया, तेरा ड्राइवर आया था, उसने कहा कि गाड़ी खराब है, गैरेज ले जाना पड़ेगा और तू घर खुद चल जा। अरे मैं अकेले घर कैसे चला जाऊंगा? अरे घबराता क्या है यार, हम छोड़ देंगे यार, चल मैं छोड़ देता हूँ चल। अरे विजय सुनना, थोड़ा सा बियर तो मार ले यार। नहीं यार मैं शराब नहीं पीता। अरे बियर तो सब लोग पीते हैं यार। नहीं मेरे पापा ने कहा है कि शराब लिवर के लिए खराब होती है। मैं दो पापा के पप्पू, हमेशा पापा की बात मानता रहेगा। चल कोई बात नहीं यार, चल चल आ चलो। बियर बहुत पी ली है, अब थोड़ा सा हल्का हो जाते हैं, चल। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे सड़क पर तो जानवर करते हैं, मेरे पापा ने तो यही कहा है। अरे पापा के पप्पू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। नहीं, नहीं। अरे चल चल ना यार। अरे चल बचाओ। चल भांजे। अकेले आदमी को चार चार मारते उस साल बहुत बुरी बात है। हालत देख अपनी, सब जीजे का कसूर है, अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। बाबा। अच्छा भांजे अब जरा ध्यान से देखना, इसे कहते हैं गर्दन पकड़। अच्छा मामा। इसे कहते हैं बाह पकड़ कपूरा के। हाँ मामा। और इसे कहते हैं मुक्का। हाँ मामा। और इसे कहते हैं डॉट। और इसे क्या कहते हैं? ठहर अभी बताता हूँ। मामा इसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं बैकहैंड। आओ आओ तुम भी आओ। मामा। Thank you.
कहते हैं नॉकआउट। हाँ बेटे चल भांजे आजा। आइए सर। और इसे कहते हैं चंपा चंपी। क्या कहते हैं? चंपा चंपी चंपी। चल नहीं छोड़ू। कैसे हुआ बेटे ये सब? कैसी लगी ये चोट? तुम ठीक तो हो ना? बैठो बेटे बैठो। वो ऐसे हुआ जीजा जी के लेफ्ट राइट देखकर सड़क तो पार कर ली थी इसने, लेकिन फिर भांजे का पांव केले के छिलके पर पड़ गया और फिर वहां बहुत सारे गुलाब के फूल पड़े थे, उसके ऊपर गिरकर इसको चोट लग गई। बेटे रास्ता चलते वक्त तुम्हें नीचे देखकर चलना चाहिए। लोग बहुत बेवकूफ हैं, कुछ भी फेंक सकते हैं। अरे जीजे हद हो गई यार, गुलाब के फूल पर गिरकर चोट नहीं लगी है इसे, इसकी गुंडों ने पिटाई की है। गुंडों ने? मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचता तो अस्पताल ले जाना पड़ता इसको। उन लोगों से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी बेटे? पापा इम्तिहान देते वक्त एक लड़के ने कॉपी करने के लिए मेरा पेपर छीन लिया, प्रोफेसर ने देख लिया और मैंने सच बोल दिया। बस उस लड़के ने और कुछ गुंडों ने मुझे कॉलेज के बाहर किसी बहाने बुलाया और मेरी बहुत पिटाई की। उन सारे गुंडों को मैं जेल भिजवा दूंगा। हाँ, फिर दूसरे गुंडे इसकी पिटाई करेंगे, उन्हें भी जेल भिजवा देना। ये सब आपकी वजह से हुआ है साले साहब। मैं तो इसे घर में ही रखना चाहता था, मगर आपकी वजह से इसे कॉलेज और स्कूल में दाखिल करना पड़ा। आज के बाद मेरा बेटा घर में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है पापा, मैं घर पर ही रहूंगा। ठीक है पापा, मैं घर पर ही रहूंगा। कब तक इसे लल्लू बना के रखोगे तुम? कब तक इसे पिंजरे में बंद करके रखोगे? ठीक है पापा, मैं घर पर ही रहूंगा। अब मेरा बेटा अकेला नहीं, अपने दुल्हन के साथ यहाँ रहेगा। अरे दुल्हन कहाँ से लाओगे इस लल्लू के लिए? मेरे दोस्त मिस्टर मेहरा चाहते हैं कि विजय की शादी उनकी बेटी किरण के साथ हो जाए, और मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर मुझे पता होता कि आप विजय से मेरी शादी कराने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आएंगे तो मैं हरगिज नहीं आती अंकल के घर। किरण तुम हद से बढ़ रही हो। अगर मैं हद से ना बढ़ूं तो आप विजय से मेरी शादी कराकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ये कैसी बातें कर रही है? आप ही ने तो कहा था कि किरण को मेरा बेटा पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है। अंकल, हमारे कॉलेज की और विजय के कॉलेज की सारी लड़कियां इसका मजाक उड़ाती हैं। अरे पर क्यों लड़कियां पसंद नहीं करती विजय को? अंकल, हर एक लड़की का सपना होता है कि उसका शौहर एक मर्द हो, विजय की तरह लल्लू राम नहीं। अरे इसके तो लड़कियों को देख के पसीने छूट जाते हैं। देखिए देखिए, अभी भी इसके पसीने छूट रहे हैं। बेटी तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मेरे बेटे से शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? इसमें कमी क्या है? खूबसूरत है, नौजवान है, दौलतमंद है। पैसे ही सब कुछ नहीं अंकल, मुझे तो शक है कि आपका बेटा मर्द है भी। बदतमीज, जुबान संभालो। राजा साहब, देखिए बेहतर होगा आप दोनों यहाँ से चले जाएं। किरण चलो यहाँ से। अंकल, आप अपने बेटे की जांच किसी डॉक्टर से करवा लीजिए ताकि शादी के बाद किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना होने पाए। दिस इज टू मच। किरण चलो यहाँ से। मेरे दोस्त की बेटी ने मेरे बेटे पर तोहमत लगाई है कि वो नामर्द है, और साथ में यह भी कहा है कि जिसकी भी शादी मेरे बेटे से होगी उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। डॉक्टर तुम जांच करो उसकी और मुझे बताओ कि उसमें खामी क्या है। राजा साहब, मेडिकल टेस्ट लेकर मैं उसे और कमजोर नहीं बनाना चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, तुम्हारा बेटा 100% मर्द है, उसे ना ही किसी मेडिकल टेस्ट की या किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। राजा साहब, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और फैमिली डॉक्टर भी, मुझ पर भरोसा करो। अगर किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो तुम्हारे दिमाग को और वहम को। मैं बरसों से देख रहा हूं जिस लाड़ प्यार से तुमने अपने बच्चे की परवरिश की है, उस परवरिश ने, उस लाड़ ने, उस प्यार ने तुम्हारे बेटे को जिस्मानी तौर पर बड़ा तो कर दिया, लेकिन दिमागी तौर पर उसे बच्चा बनाकर रखा है। और राजा साहब, यह सब सिर्फ तुम्हारा कसूर है। 100% करेक्ट बात, बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे जीजा जी ने तो उस बेचारे को लड़की लड़कियों के साथ घूमने नहीं दिया कभी। काश मधु जिंदा होती, वो इसकी परवरिश सही तरह से करती। अरे जीजा जी, तुमने तो उस बेचारे को बैटरी से चलने वाला खिलौना बना के रख दिया है। लेफ्ट को देखो, फिर राइट को देखो, फिर लेफ्ट को देखो, फिर राइट को देखो, तब सड़क क्रॉस करना। बीच पर जाओ तो किनारे पर रहना, पानी के अंदर मत जाना, डूब जाओगे।
कुतुब मीनार के ऊपर मत चढ़ना। बस बस साले साहब, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। तो ठीक है, हम अपनी बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन आपके उस मेहरा की बेटी ने आपकी बोलती बंद कर दी थी। डॉक्टर साहब, आप जरा मेहरबानी करके इन्हें समझा दीजिए कि इन्हें मेरे भांजे के लिए क्या करना होगा। राजा साहब, विजय की जिंदगी में एक लड़की का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पूरा मर्द होने के बावजूद भी अधूरा आदमी रह जाएगा। बस यही तो एक इलाज है उसका। सही है, यानी कि खुला छोड़ दो विजय, कोई पाबंदी ना लगाई जाए। लेफ्ट को देखे, राइट को देखे, सीधा देखे, उल्टा देखे, उसकी मर्जी। बाकी लड़की पटाना उसे मैं सिखा दूंगा। ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर? तुम 100% ठीक कह रहे हो वीरो। तो जीजा जी, आप ऐसा कीजिए कि बिजनेस टूर पर कुछ हफ्तों के लिए आप चले जाइए बाहर, और विजय को छोड़ दीजिए अकेला मेरे पास। इस शहर में बहुत सारी लड़कियां हैं, एक ना एक तो पटाई लेगी उसे। हाँ राजा साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो, आप लोग कहते हैं तो मैं मान ही लेता हूँ। ये हुई ना बात। लेकिन पापा, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? आप हमेशा तो मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। अपने पैरों पर? लेकिन पापा, मैं तो अपने पैरों पर कब से खड़ा होना सीख गया हूं। नहीं बेटे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब तुम्हें मेरे बगैर रहना सीखना चाहिए, दुनियादारी क्या है ये भी समझना चाहिए। और फिर मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, दो चार दिन मैं वापस आ जाऊंगा और तुम्हें रोज टेलीफोन करूंगा। प्रॉमिस पापा, आप रोज फोन करेंगे ना मेरे अच्छे पापा। पापा, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं बेटे, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मामा भी तो है। और हाँ, रास्ता पार करते वक्त पहले दाएं देखना फिर बाएं देखना, और याद रखना पापा तुम्हें बहुत प्यार करता है। अच्छा पापा। नीचे नीचे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐ रुको, नीचे लो, ऐ ऊपर लाओ, उसको ऐसा ऐसा प्रेस करो। वीरो अंकल। ऐ क्या अंकल अंकल लगा? अंकल नहीं, सिर्फ वीरो। आज से मैं तेरा अंकल नहीं, तेरा दोस्त हूँ। तू मुझे सिर्फ वीरो कह के बुलाएगा, समझ गया? ओह सॉरी वीरो अंकल। ओ वीरो। हाँ आजा आजा। डैडी जहां भी जाते थे मुझे साथ लेकर जाते थे, लेकिन इस बार मुझे अकेले छोड़कर वो बिजनेस टूर पर चले गए, और मुझे अकेले बहुत डर लगता है। जीजा जी जाते जाते क्या कहेंगे तुझे? जीजा जी, ओ डैडी, डैडी जाते वक्त ये बोल गए थे कि जब भी सड़क पार करोगे तो लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट राइट देख के सड़क। अरे लेफ्ट राइट की मां की आंख, डैडी गए बाहर, आज से तू वही करेगा जो मैं बोलूंगा। मंजूर? मंजूर। हां चल आजा फिर। सबसे पहले सीखनी पड़ेगी तुम्हें बॉक्सिंग, इसको कहते हैं पंचिंग बैग। इस पर अपने मुक्कों का कैसे इस्तेमाल करते, मुक्का मुक्का जानते हो? उंगलियां बंद करो। हाँ इसको कहते हैं मुक्का। चोट तो नहीं लगेगी? अरे यार करके तो देखो पहले। लेफ्ट हाँ चलो चलो हो जाओ वीरू। जोर से
बुद्धू कहीं का चलोट, ऐसे नहीं यार, मुक्का मारते वक्त नजर बैग पर ही रखो। जैसे दुश्मन से लड़ते वक्त नजर दुश्मन पर नहीं रखोगे तो वो तुम्हारा पंचिंग बैग बना देगा, समझे? नजर बैग की तरफ और तब मुक्का मारो, कम ऑन वीरू। दैट्स इट, कम ऑन, कम ऑन, जोर से, दैट्स इट, और जोर से, जोर से, शाबाश। नजर बैग पर, और जोर से मारो, जोर से मारो, कम ऑन, दैट्स राइट, शाबाश। बस हो गया, आधे घंटे की प्रैक्टिस रोज पंचिंग बैग पर। देखो इसे, लो चश्मा पहन के देखो, ठीक से दिखाई देगा। ऐसी बॉडी चाहिए, बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, समझे? अभी इसके बाद तुम्हारी बारी। ऐसे ऐसे पकड़ कर बैठ जाओ और फिर खींचो, बिल्कुल यहां तक आना चाहिए, समझ गए? चलो आ जाओ, पकड़ो इसे, अब बैठ जाओ और खींचो जोर से, शाबाश। सर आगे रखो नहीं तो फूट जाएगा। हाँ, अभी देखते जाओ, चंद दिनों में तुम्हारी बॉडी ऐसी सॉलिड हो जाएगी कि सारी लड़कियां तुम्हें भूखी नजरों से देखने लगेंगी, और तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा लड़की पटाना। अरे रहने दे, रहने दे। ओ रानी, हाय हाय। देख वीरू, तू तो खुद मोहब्बत करना नहीं जानता और अपने भांजे को सिखाएगा। अरे इसे मोहब्बत करना तो मैं सिखाऊंगी, मैं। तू इसे सिर्फ पहलवानी सिखा। हाँ ओके। देख भांजे, आज के बाद लेफ्ट को देख और राइट को देख का इस्तेमाल सड़क पार करने के लिए नहीं करना, सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए इस्तेमाल करना। मेरी रानी, मैं बिल्कुल यही सिखाने वाला था इसको। अरे छोड़ ना, तूने आज तक किसी लड़की को पटाया है? क्यों, तेरे को पटाया है ना? तूने मुझे नहीं पटाया, मैंने तेरे को पटाया। हाँ, पर बात तो एक ही है ना? एक नहीं है, पटने और पटाने में जमीन आसमान का फर्क है। ओ रानी, यहाँ आके ऐसी बातें मत किया कर। देख, ये एक्सरसाइज की जगह है, यहाँ पे हनुमान जी की पूजा होती है, सब ब्रह्मचारी लोग आते हैं यहाँ पे। हाय, इसी बात का तो दुख है कि तू आज तक ब्रह्मचारी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तू जा यहाँ से। तेरे लिए देसी घी में खाना बना कर लाई हूँ, टिफिन ऑफिस में रखा है। अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगा, लेकिन अब तू जाती है कि नहीं? लेकिन वीरू, अपने भांजे को गाड़ी चलाना जरूर सिखाना। गाड़ी? वरना लड़कियों को लिफ्ट कैसे देगा? हाँ, गाड़ी चलाना सिखाने का भी प्लान था मेरा, मैंने सोच रखा। जो भी मैं सोचती हूँ उसके पहले तुम सोच लेते हो। ठीक है ठीक है, मैं ढाबे पर जा रही हूँ, तुम दोनों खाना खा लेना। हाँ खा लेंगे। वीरू, रानी तुमसे बहुत प्यार करती है। यही तो मुसीबत है। देख, बाएं हाथ को गियर स्टिक होती है, ऐसे पकड़ना उसको, ऐसे नहीं, समझ गया? क्या हाल है कल्लू मियां? ठीक हो जी। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं भांजे को गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। हाँ। अरे इधर से नहीं, तू उधर से बैठ। सॉरी, मैं यहाँ बैठूंगा। चलो आ जाओ, बैठो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। हाँ मामा। अरे यार रेडियो नहीं, इंजन स्टार्ट करो। वो जो चाबी लटक रही है उधर, चाबी। हाँ। चाबी को पकड़ो ऐसे ऐसे, और ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ। दैट्स राइट। हाँ मामा। मामा हम आगे क्यों नहीं चल रहे? अरे भैया, कोई जादू से थोड़ी चल पड़ेगी, गियर में डालनी पड़ती है। गियर में डालो, ये क्लच दबाओ। ये अच्छा। ये डंडा जो है, हाँ क्लच दबाओ। हाँ। गियर में डालो। हाँ। शाबाश, और क्लच छोड़ो। मामा हम पीछे जा रहे हैं। पीछे नहीं, आगे चलना यार, फर्स्ट गियर। शाबाश शाबाश। वाह मामा। गाड़ी थोड़ी लेफ्ट में चलाओ, लेफ्ट में, राइट में चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मामा हमें लेफ्ट और राइट कब देखना चाहिए? सीधी सी बात है भांजे, लड़की जब लेफ्ट में हो तो लेफ्ट में देखना चाहिए, और लड़की जब राइट पे हो तो राइट को देखना चाहिए, समझ गए? बहुत जल्दी सीख रहे हो तुम। मामा मैं कितने सालों में गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा? सालों में नहीं, मिनटों में सिखा दूंगा मैं, फिर देखना लड़कियों को लिफ्ट देते देते थक जाओगे। अरे क्या हो गया? एग्जाम में मैं फेल हो गया, अंडा आ गया। मैं भी फेल हो गई। तू भी फेल हो गई। हम दोनों चलो खुदकुशी कर लेते हैं। ना बाबा। नहीं तो चलो कांदीवली में डिस्को करते हैं। ओए ओए, जले दो उनको। तुम पास हो गए। तुम भी पास हो गए। मेरा नंबर देखिए ना प्लीज।
नंबर देखे ना। आप पास हो गई हैं। हाँ, थैंक यू जी। आप अपना नंबर भी तो देखे। मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। अरे कहाँ चले गई? साइकिल को भी यही पंचर होना था, कोई दुकान भी नजर नहीं आ रही। के लिए तो लेट हो जाऊंगी। अरे आइए गाड़ी। लेफ्ट प्लीज स्टॉप। स्टूपिड। अरे अरे आप पैदल क्यों जा रही हैं? मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया था, इसलिए पैदल जा रही हूँ। आप मुझे हॉस्टल तक छोड़ दीजिए ना प्लीज। आइए आइए बैठे। लेकिन मेरी साइकिल। ओह ये तो मैं भूल ही गया था, एक मिनट। मुबारक हो, आप पास हो गए। मुझे तो आप मुबारकबाद दे चुके हैं। आपके रिजल्ट का क्या हुआ? जी हाँ, मैं भी पास हो गया। मुबारक हो विजय। थैंक यू। आप मेरा नाम जानती हैं? मैं आपका दूसरा नाम भी जानती हूँ, मिस्टर लेफ्ट राइट। मेरा नाम जानम है। जानम, अच्छा नाम है। थैंक यू। यहाँ से राइट ले लीजिए, मेरा हॉस्टल आ गया। अच्छा। थैंक यू। हाय जानम, कैसी है? बस ठीक हूँ, तू सुना? ओके बाय। बाय। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलता। अच्छा बाय। बाय। विजय जी। दिकी। ओ अच्छा ठीक है। बुद्धू कहीं का ये ले। और एक। अरे बस कर रानी, बहुत हो गया। ए माटी में ले खाना, तेरे वास्ते मुर्गी बनाई हूँ, मस्के में डाल के। देसी मुर्गा है जी, देसी मुर्गा। रात दिन तू कसरत करता रहता है, अगर खाना नहीं खाएगा तो बॉडी कैसे बनाएगा? थोड़ा सा तू भी खा ले। अरे नहीं नहीं, अगर मैं मोटी हो गई तो तू मुझे देखेगा भी नहीं। अच्छा तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तू मेरी जोरू है। क्या बात कर रहे हो जी, आज नहीं तो कल एक न एक दिन मैं तेरी जोरू जरूर बनूंगी। तो रहने रहने, अपुन शादी के लफड़े में पड़ने वाला नहीं है। अरे शादी नहीं करेगा तो तेरे खानदान का नाम आगे कौन चलाएगा? शादी करके देख, हमने सुना है सर्दी में लिपट कर सोने में बड़ा मजा आता है और गर्मी में पलट कर सोने में बड़ा मजा आता है। अरे चुप, मैं तेरे को आधा दर्जन बच्चे दूंगी। हा? मेरे को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। ओल ले अपना बच्चा आ गया, आजा पुत्र, आजा आजा इधर आ। वीरू अंकल। फिर वीरू अंकल। ओ सॉरी वीरू, मैं पास हो गया। तेरी मुबारक हो भांजे, ले मुर्गे की टांग रगड़ जा। मुबारक हो तेरे को। ए माटी मेलो इधर आओ, इसे आपस में बांट लो। ए रानी, विजय पुत्र के पास होने की खुशी में एक जश्न हो जाए। जश्न यही होगा, अपने ढाबे पर वीरू गाएगा और रानी नाचेगी। नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगी तेरे साथ। काहे को? अभी तो बड़े इश्क की बातें कर रही थी। मेरे को सब मालूम, पहले तू दबा के दारू पिएगा, उसके बाद तू मेरे में माधुरी दीक्षित, रेखा और श्रीदेवी को देखेगा। मैं तब नाचूंगी जब तू उनमें मेरे को देखेगा। ऐसा क्या? ठीक है, आज से अपुन उनमें तेरे को देखेगा, फिर तो नाचेगी ना। अरे तू नचा, हम ना नाचे माटी में। फिर तो मैं भी नाचूंगा और अपना पुत्र भी नाचेगा। या।
जरा 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 हाय जरा जरा उइ जरा जरा हाय जरा जरा उइ जरा जरा दिल में दर्द हुआ जरा दिल में दर्द हुआ दिल में दर्द हुआ दिल में दर्द हुआ दे दे कोई दवा सोनिए जरा 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 मुजरिम हूँ मैं तेरा मुजरिम हूँ मैं तेरा वहाँ पर की दे सजा सोनिए जरा 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 पास इतने रह के भी दूरी है किसलिए हाय दोनों के दिल राजी है मजबूरी है किसलिए दिल के करीब आ दिल के करीब आ आंचल की दे हवा सोनिए जरा 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 कितनी जवां तू कितनी हसी हाय नशा जो तेरे शबाब में शराब में वो बात नहीं तुझको भी ये खबर नहीं कितनी जवां तू कितनी हसी नशा जो तेरे शबाब में शराब में वो बात नहीं मेरी प्यास बुझा मेरी प्यास बुझा होंठों से कुछ पिला छोड़िए कजरारी आंखों से इतना तो न काम लो कजरारी आंखों से इतना तो न काम लो मस्ती ये चश्मे गदारा है तेरी आंखों में एक दुनिया ये बहारा है तेरी आंखों में ये पिया है ये सफेदे ये गुलाबी डोरे डोरे ये गुलाबी डोरे इस बदल मौत का दामा अपने बंद होठों से मेरा जरा नाम लो अपने बंद होठों से मेरा जरा नाम लो आंखें न यूं दिखा आंखें न यूं दिखा होने लगा नशा जानवर हाय जरा जरा उई जरा जरा हाय जरा जरा उई जरा जरा दिल में दर्द हुआ
जरा दिल में दर्द हुआ, दिल में दर्द हुआ, दिल में दर्द हुआ, दे दे कोई दवा छोड़िए, जरा जरा थोड़ा थोड़ा, जरा जरा लिटिल लिटिल, जरा जरा थोड़ो थोड़ो, जरा जरा एक्टू एक्टू, जरा जरा पूरा जिन्ना, जरा जरा सुल्फा सुल्फा, जरा जरा कुंजम कुंजम, जरा जरा तनिक तनिक, हेलो, हाँ क्या हुआ, दोबारा ट्राई कीजिए, विल यू रिपीट द नंबर प्लीज, हाँ 620-2059, हाँ हाँ दोबारा ट्राई कीजिए, आई वांट टू टॉक टू माय सन, थैंक यू। राजा साहब, बॉम्बे में आपकी इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फिर भी आप छोटे शहरों में मकान बनाना चाहते हैं? खन्ना साहब, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों में मेरे बेटे की कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी। वैसे यहाँ का काम कैसे चल रहा है? फर्स्ट क्लास। हेलो, या प्लीज कनेक्ट। विजय बेटे। हाय डैड। सड़क पार करते वक्त ध्यान से देखते हो कि नहीं बेटे? जी डैडी, मैं लेफ्ट राइट देखकर ही सड़क पार करता हूँ, और वीरू अंकल ने मुझे गाड़ी चलाना भी सिखा दिया है। क्या, गाड़ी चलाना सिखा दिया है? ये देखो, वीरू ने उसे गाड़ी चलाना सिखा दिया है। पहले विजय से पूछो उसके रिजल्ट का क्या हुआ। अरे ये बात तो मैं भूल गया, अरे विजय तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? हाँ डैडी, मैं पास हो गया फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास, मुबारक हो बेटे। थैंक यू डैडी, थैंक यू, और आपको भी मुबारक हो। फर्स्ट क्लास में पास हुआ है, मुबारक हो जनाब। अच्छा बेटे सुनो, वो सोने से पहले दूध पीता है कि नहीं तू? आप फिक्र मत कीजिए डैडी, मैं सुबह भी गरम गरम दूध पीता हूँ। और वीरू अंकल तुझे वो दारू पीना तो नहीं सिखा रहा ना? बच के रहना, उससे बहुत बदमाश है वो। मैं वीरू अंकल की बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा। अच्छा बेटे मैं फोन रख रहा हूँ। ओके डैडी बाय। साहब जी, आपकी गाड़ी में ये पर्स मिला, न जाने किसका है। अरे ये तो जानम का पर्स है, कल शायद मेरी गाड़ी में भूल गई थी। हाय विजय। हेलो, आपका ये पर्स मेरी गाड़ी में रह गया था। और मैं कब से सोच रही थी कि गया कहाँ। देख लीजिए, सब कुछ सही सलामत तो है ना? बाकी सब कुछ तो है, सिर्फ एक चीज गायब है। कौन सी चीज? दिल, इसमें से मेरा दिल गायब है। एक काम कीजिए, आप ये पर्स वापस ले जाइए। क्यों? सीधी सी बात है, फिर मैं ये पर्स लेने आपके घर आऊंगी, और वो हमारी तीसरी मुलाकात होगी, उसके बाद चौथी, पांचवी, और ऐसे ही हमारी दोस्ती बढ़ जाएगी। लेकिन आप मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि आप एक शरीफ भोले भाले इंसान हैं, और ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। और फिर मैंने कहा ना कि पहली मुलाकात में मेरा दिल चोरी हो गया। अच्छा तो मैं इजाजत चाहता हूँ, बाय। सुनिए, अपना पता तो बताते जाइए। हाँ, 27 मयूर महल, पाली हिल, बांद्रा, बॉम्बे, 400050। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ। ओके बाय। तूने मेरा दिल ले लिया। बाबा आपका तार। शुक्रिया। तूने मेरा दिल ले लिया जानम, जानम। हेलो
मेरा दिल ले लिया जानम। साहब जी। हाँ तूने मेरा दिल ले लिया जानम जी। ऐसे ढेर सारे गुलदस्ते और भी पड़े हाल में। अरे पंचिंग बैग से प्यार कर रहे हो या घूसा मार रहे हो? जोर से मारो यार। वीरू अंकल। हाँ वीरू। क्या हुआ भांजे? हाँ क्या बात है? नहीं अरे शर्मा क्यों रहा है? कोई लड़की पड़ गई क्या? हाँ हैं? हाँ कैसी है वो? बहुत अच्छी है। कहाँ मिली? कॉलेज में मिली। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझसे लिप मांगी और मैं उसे हॉस्टल तक छोड़ आया। फिर उसने मुझे ढेर सारे टेलीग्राम भेजे और फूल भी भेजे। टेलीग्राम में क्या लिखा था? तूने मेरा दिल ले लिया। अरे वाह भांजे वाह, दिल खुश हो गया मेरा। अब क्या करूं? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। सुन भांजे, बिल्कुल वही करना जो हीरो फिल्मों में करता है। आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ, अब कह दे कि तू भी वही कहने वाला था। कह दे। नहीं नहीं नहीं, आज मैं वो नहीं कहने वाला था। तो भांजी ऐसा करो, तुम अपनी महबूबा को लेकर चले जाओ किसी गार्डन में और और कुछ मत करना, सिर्फ रोमांटिक गाना गाना। हाँ रोमांटिक गाना। तूने मेरा दिल ले लिया। मेरा दिल ले लिया। हाँ मैंने तेरा दिल ले लिया। तूने मेरा दिल ले लिया। हाँ 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 मैंने तेरा दिल ले लिया। ऐ मेरी जाने जा, तूने ऐसा क्यों किया? जो छुआ है ऐसा नम, कैसा कैसा मुझको ये हुआ है ऐसा नम, पहली बार तुझको जो छुआ है ऐसा नम, तेरे लिए दिल बेचैन क्यों, तुझको ही ढूंढे नैन क्यों, तेरे लिए दिल बेचैन क्यों, तुझको ही ढूंढे नैन क्यों। Thank you.
तुझको पाकर दिल में अब कैसी आरज़ू। दिल में अब कैसी आरज़ू। तुझे पाके झूमे मेरी जिंदगी, तू ही प्यार तू ही मेरी बंदगी। तुझे पाके झूमे मेरी जिंदगी, तू ही प्यार तू ही मेरी बंदगी। क्या हुआ दिल गया, तू मुझे मिल गया। अब हमें चाहिए और क्या। तूने मेरा दिल ले लिया, हाँ मैंने तेरा दिल ले लिया। तूने मेरा दिल ले लिया, हाँ मैंने तेरा दिल ले लिया। ऐ मेरी जाने जा, तूने ऐसा क्यों किया। दिल मेरा तूने मेरा दिल ले लिया, हाँ बाबा मैंने तेरा दिल ले लिया। हाय कितनी प्यारी प्यारी हो तुम, तुम्हारे ये गोरे गोरे गाल, तुम्हारे ये काले काले बाल, तुम्हारी ये झील सी नीली आंखें, हाय 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 जी करता है कि मैं इसमें डूब जाऊं। तुम्हारे ये होंठ गुलाब की तो पंखड़ियां हैं। अच्छा बताओ तुम्हें मैं कैसा लगता हूं, मेरे ये गोरे गोरे गाल, मैं प्यारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना एक शरीफ लड़का। देखो मेरा नाम है के यानी के कृष्ण कन्हैया। अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जानम। आहा कितना प्यारा नाम है, दोबारा बोलो। जानम। हाँ जानम नाम है इसका, गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। देन देयर इज नो प्रॉब्लम, मुलाकात आसान ना माँ बाप का डर। लेकिन उसके साथ एक हीरो है। हीरो नहीं विलन, हीरो तो हम हैं। आपके लिए विलन ही सही, लेकिन वो लड़का एक बहुत बड़े अमीर बाप का बेटा है। तो हम कौन से गरीब बाप के बेटे हैं? अरे उसका तो बाप अब तक जिंदा है, मेरा बाप तो कब का। जाओ जानम को मेरे पास लेकर आओ। सर जी जानम एक शरीफ लड़की है, आप जैसे चालू आदमी के पास नहीं आएगी वो। हरामजादे मेरा पहनता है, मेरा खाता है और मेरी बुराई कर रहा है। सर जी जरा जरा गौर से देखिए मुझे, मैं आपकी गालियों के अलावा कुछ और खाता हुआ लगता हूं। ना ना सर जी ना, मैं तो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा भर हूं और इस ढांचे पर चमड़ी को मोची से सिलवा दिया गया है बस। अगर तू मुझे इतना ही तंग आ गया है तो मुझे छोड़कर चला क्यों नहीं जाता है? मैं तो कहता हूं चला जा कहीं, गेट आउट फ्रॉम हियर। इससे पहले भी आप मुझे गेट आउट कर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता। आपके स्वर्गीय पिताजी बड़े सरजी का नमक खाया मैंने। मरने से पहले उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप मुझे गोली मार दो, पर मैं आपको छोड़कर कभी ना जाऊंगा और आपको हर बुरा काम करने से रोकूंगा। लेकिन आप ना सुधरे हैं और ना सुधरेंगे। अब मैं ऊपर जाकर बड़े सरजी को क्या मुंह दिखाऊंगा। बकवास बंद कर और ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे बस जानम चाहिए। खुद नहीं आती तो उसे उठाकर लेकर आओ। अगवा किडनैप? सर जी पुलिस में किसी बड़े अफसर से तो दोस्ती होगी आपकी? नहीं। अच्छा रूलिंग या अपोजिशन पार्टी में किसी मिनिस्टर से जान पहचान? अरे मैं कोई स्मगलर हूं जो इनसे जान पहचान रखूं? तू ये सब कुछ पूछ क्यों रहा है?
जानम को अगवा करने के जुर्म में मैं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस मुझे मारेगी, बहुत बहुत मारेगी। वो हमेशा बहुत मारती है, हर डिग्री का इस्तेमाल करेगी, मुझसे आपका नाम पूछेगी। मैं मजबूर हो जाऊंगा आपका नाम बताने के लिए, वो आपको भी पकड़ लेगी। तो हम दोनों अंदर, हम दोनों जब अंदर है तो हमें बाहर निकलवाने के लिए कोई मिनिस्टर तो होना चाहिए ना। बकवास बंद कर और मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। किराए के गुंडे ले और जानम को अगवा कर ले। मुझे सिर्फ जानम चाहिए। जानम मेरी नस नस में समा गई है। आई लव यू जानम, आई लव यू। जानम, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे सब कुछ नया लग रहा है। मेरे पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं भी उनसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अरे भैया, ये सड़क आगे चलकर लेफ्ट को किधर मुड़ती है और राइट को किधर मुड़ती है, जरा बता सकत हो का? बहुत समझी। अच्छा अच्छा, तो यही है तुम्हारी जिसके बारे में तुमने बताया था? कॉलेज, लिफ्ट, टेलीग्राम, फूल। हाँ हाँ मामा जी, ये जानम है और जानम ये मेरे प्यारे वीरू मामा है। नमस्ते मामा जी। जीती रहो, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जानम, हम तुमसे एक ही बात कहेंगे कि ये बहुत भोला भाला है और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है। कभी भी इसका दिल मत तोड़ना। नहीं जी, मैं वादा करती हूँ। हम चलते हैं, आप लोग चालू रहो। बेस्ट ऑफ लक। मिस्टर खन्ना, प्रोग्रेस जरा स्लो लग रहा है, कब तक बन जाएगा ये? अगली दिवाली तक जरूर हो जाएगा जनाब। अच्छा, विजयनगर का वो ब्लूप्रिंट दिखाई। हाँ जी, देखिए। बिल्डिंग के कुछ डिजाइन सिमिलर लग रहे हैं, थोड़ा अलग करना चाहिए। ये डिजाइन फिर से चेंज करने पड़ेंगे। अरे कहाँ, फिर दोबारा काम चलेगा तो 6 महीने लग जाएंगे इसमें। ये क्या है? ये ग्रीन बेल्ट है सर। और ये आउट हाउस। टेलीफोन देना जरा। हेलो सर, बॉम्बे का कॉल लग गया है। 19 शाबाश, वेल डन। हेलो हेलो साले साहब। जीजा जी, कहिए क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ साले साहब, आप सुनाइए, आप कैसे हैं और विजय कैसा है? अरे मेरा भांजा बिल्कुल भला चंगा है। सुनो जीजा जी, उसकी जिंदगी में एक लड़की आ गई है। लड़की? तुम मिले हो उसे? हाँ मिला हूँ, बड़ी अच्छी लड़की है। उसने विजय को इतना बदल दिया है कि जब तुम देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे उसे। सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या? अरे भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। मेरी बात पे यकीन नहीं तो मैं फोन रख देता हूँ। अरे भाई विजय के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। अरे जीजा जी, तुम्हारे बगैर हम भी यहाँ बहुत उदास हैं। कोई नहीं जिसके साथ झगड़ा कर सके। दारू पीने को भी जी नहीं चाहता, बड़ी याद आती है तुम्हारी। ऐसा करो तुम 4-5 महीने के बाद आ जाओ। साले साहब, आपका बस चले तो मुझे हमेशा के लिए हिंदुस्तान के बाहर भेज दोगे? मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। जीजा भी कमाल है, बेचारा विजय। हाय हाय, ठीक 10 बज रहे हैं जनाब और जानम हाजिर है। आइए अंदर। मैं तो सवेरे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ। जानम को जन्मदिन मुबारक हो। मेरा जन्मदिन? जी हाँ, आज 10 अक्टूबर है, आज के दिन तुम पैदा हुई थी। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे पर्स में तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड था, उस पर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। विजय विजय विजय, I love you विजय, I love you, I love you। ये बादल का गरजना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे दिल का धड़कना कैसा लगता है? बहुत जोर से धड़क रहा है। जब भी तुम मिलती हो तो ये ऐसे ही धड़कता है। और अगर मैं ना मिली तो? तो इसका धड़कना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। क्या विजय वहां नहीं आया? और वीरू, वो भी नहीं आया? पता नहीं कहां चले गए ये दोनों। अरे जीजा जी, अरे वेलकम बैक। आप कब आए? मैं तो कल आया, मगर तुम्हारा वो भांजा है कहां, रात भर घर नहीं आया। अरे जीजा जी, इश्क इश्क इश्क, लाओ दारू पिलाओ यार, खाली हो गया है। इश्क में वो वाली इश्क में ना दिन का पता चलता है ना रात का। मगर तुम ये तो बताओ, इस वक्त वो है कहाँ?
अरे वो जानम के गले में हाथ डाल के गाड़ी चला रहा होगा, गाना गा रहा होगा और क्या। कैसी बातें करते हो तुम। देखो ना, न जाने बेचारा कोई सड़क पे पड़ा हुआ है। अच्छा मैं देखता हूँ। जानम तू यहां से भाग, मैं इन हरामजादों से निपटता हूं। भाग। जानम को छोड़ दो वरना। ए, वरना क्या, एक मर्तबा पिटाई की थी भूल गया क्या। चल हट। ये तो विजय की गाड़ी है। हाँ? यहाँ क्या कर रहा है। अरे गार्डन में जानम के साथ कुछ रोमांस वोमांस चल रहा होगा। हमें क्या लेना देना, चलो कहीं चल के दारू पीते हैं। नहीं नहीं मुझे पहले उसे मिलना है। अरे यार तुमको भी बनना ही है कबाब में हड्डी। शाबाश। देखा कौन है ये लोग। अरे ये गुंडे, इन्होंने जानम को छेड़ा होगा और विजय हमारा इनकी ऐसी तैसी कर रहा है। अरे अरे वाह 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 वाह। अरे ये तो चार और आ गए। अरे कोई बात नहीं, अभी चार और आ सकते हैं, सबकी धुलाई करेगा ये, देखते जाओ। विजय शाबाश। अरे ये तो लड़ाई में होता ही है ना। विजय अभी देखना। और जीजा जी संभल के। अरे वाह जीजा जी क्या कर रहे हो। विजय अब लल्लू नहीं रहा। ओ जीजा ठहर जा, मैं भी आ रहा हूँ। क्या कर रहा है, पैर के नीचे आ जाता तो। अबे देख, के लिए कह रहा हूँ साले, भलाई का जमाना नहीं रहा। अरे तू तो वही है जो उस दिन मार खाया था। कौन सी मार। कौन सी, ये माला उतारू तो याद आएगा। माला। अरे नहीं नहीं, याददाश्त बहुत कमजोर है। मामा जी। देखो बहन जी, पर्सनली मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं अपने मालिक के हुक्म से बंधा हुआ। मेरे एक गुंडे हरामजादे मार खा रहे हैं, आपको मेरे साथ के के सेट के चलना ही पड़ेगा। अबे जा के सेट तू। ठहरो ठहरो मैं आ जाता हूं। अबे तू आ गया। Ah!
भाई, अरे छोटी सी जान मेरी। मुर्दे को क्या हिलाते हो? एक मिनट, एक मिनट। यस आशिक, शराब आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले। वाह जीजा जी, वाह जीजा जी, वाह बेटा। पापा आप तो बहुत कमाल की फाइट करते हैं, क्या वीरू अंकल ने आपको फाइट सिखाई है? अरे फाइट तो मैंने तुम्हारे वीरू अंकल को सिखाई है, इसने अगर मुझे कोई चीज सिखाई है तो सिर्फ दारू पीना। जीजा जी ये है जानम, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। देखो इसने विजय को क्या से क्या बना दिया, ब्रूसली बना दिया ऐसे। नमस्ते। जी थी बेटी, क्या नाम बताया आपका? जानम। अच्छा अच्छा अच्छा, आएगी वो अभी। ये कौन सा भिखारी घुसा है मेरे घर में? किसने आने दिया इसको अंदर? प्रेम सिंह, वीरू, चौकीदार, अरे कहां मर गए सब लोग? अरे इसको रोको, इसको। अरे कौन हो तुम, कौन हो तुम? सर जी आपका फटा हुआ जूता है? अरे बाप रे, तेरी ये हालत किसने की? जानम के राम और उसके हनुमान ने ये हुलिया बनाया है मेरा। जानम कहाँ है? अपने हीरो के पास। क्या बकता है? लंगा। ये लौंडिया की तरह क्या शर्मा रहा है? ऐसे मुझे पहले कभी देखा नहीं क्या? बचपन से तो देखता आ रहा है। मुझे जानम चाहिए, किसी भी हालत में जानम चाहिए। अगर मैं दोबारा जानम को अगवा करने गया तो वो दोनों मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे और मैं सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाऊंगा। मैंने तुझसे कहा था ना कि कुछ गुंडे साथ लेकर जाना। मेरे साथ गुंडे थे सर जी, वरना आप मेरी चिता में आग लगा रहे होते। लगता है कि जानम को खुद मुझे अगवा करना पड़ेगा, वो मेरे नस नस में घुस चुकी है। मेरी नसों से बहता हुआ खून देखकर भी आप जानम को नहीं भूल सकते? नहीं नहीं, मैं जानम को कभी नहीं भूल सकता। और अगर मैं आपको जानम से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की से मिलवा दूं तो? कौन है वो? एक पाप से बचने के लिए मुझे दूसरा पाप करना पड़ेगा, और आप बड़े सर जी मुझे इस पाप के लिए माफ कर देना। आदाब। तस्लीम। आइए तशरीफ रखिए। यहाँ नीचे जमीन पर बैठना पड़ता है, कोई सोफा वोफा नहीं है। आइए जनाब। जूते उतार अपने। नहीं मेरे। पान खाएंगे आप? ये पान खाने वाली पर्सनालिटी नहीं है। अरे चमड़ी राजा, बड़े दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए, आप तो मियां ईद का चांद हो गए। बेशक बेशक, इस चांद पे जो ग्रहण लगा हुआ है वो तो आप देख ही रही हैं मुन्नी भाई। अरे आपके चांद से चेहरे पर ग्रहण किसने लगा दिया? अरे अब क्या बताएं,
सरजी के लिए शिकार पकड़ने गए थे तो शिकार बन के लौटे हैं। बहरहाल इनसे मिलिए, ये हैं शहर के बहुत बड़े और बिगड़े रईस जनाब के। हाँ हाँ, इन रईसों के बदौलत तो हम जी रहे हैं, वरना हमें कौन पूछेगा। क्या कहा आपने इनका नाम? के कृष्ण कन्हैया कहते हैं मुझे। के सेठ, हुक्म कीजिए, गीत सुनेंगे या ठुमरी? गीत या ठुमरी तो हम रेडियो पे भी सुन सकते हैं मुन्नी भाई, किसी नई और कमजिन गजल को देखना और चूमना चाहते हैं हम, अपनी बाहों में भींचना चाहते हैं। आदाब राजा साहब। आदाब मुन्नी भाई, तुम्हारे और हमारे बीच जो सौदा हुआ उसका किसी को पता नहीं चला, हम तुमसे बहुत खुश हैं मुन्नी भाई। ये लो तुम्हारे बाकी के 2 लाख रुपए। हाँ, वो लड़की क्या नाम है उसका, रेशमा, उसके लिए भी हम एक तोहफा लाए हैं। कहाँ है वो? देखिए, आपने नाम लिया और रेशमा आ गई। आदाब राजा साहब। आदाब। यह है रेशमा उर्फ जानम। मुन्नी भाई, तुम्हारी रेशमा तवायफ जरूर है, मगर इसने वो काम कर दिखाया जो आम लड़की किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती थी। इसने हमारे बेटे को पूरा मर्द बना दिया है। अब किसी भी शरीफ घर की लड़की हमारे बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। रेशमा, हम बहुत खुश हैं तुमसे। ये हमारी तरफ से तोहफा है, लो। शुक्रिया, इतने छोटे से काम के लिए आपने कितना कुछ दे दिया। कितना बड़ा दिल है आपका राजा साहब। हमारी एक ही औलाद है मुन्नी भाई, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जानते हैं रेशमा, जब विजय पैदा हुआ था ना, तो राजा साहब की कोठी पे मैंने मुजरा किया था और दिल खोल कर इनाम दिया था इन्होंने मुझे, और मैं खूब नाची थी ठुमका लगा लगा के। और हमें भी तुमने नचवा दिया था मुन्नी भाई, और अब विजय की शादी में तुम फिर से नाचोगी ठुमके लगा लगा के। जी नहीं, विजय की शादी में रेशमा नाचेगी, छम छम करके नाचेगी और दीवाना कर देगी आपके मेहमानों को। नहीं, बिल्कुल नहीं, आज के बाद भूले से भी रेशमा विजय के सामने नहीं जाएगी, कभी नहीं। जो कुछ भी हुआ वो विजय का एक सपना था, उसमें रेशमा जानम बनकर आई, फिर वो सपना टूट गया। सपने में आने की कीमत हम तुम्हें दे चुके हैं, और भी रुपए की जरूरत हो तो तुम कभी भी हमसे मांग लेना, मगर एक बात ध्यान रहे, ये सौदा तुम्हारे और हमारे बीच है, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, यह हमारा हुक्म है। आप फिक्र ना करें, रेशमा विजय से कभी नहीं मिलेगी, ये एक तवायफ का वादा रहा राजा साहब। हमें तुमसे यही उम्मीद थी मुन्नी भाई, अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज। देखा साले साहब, एक जमाना था एक भी लड़की आपके भांजे के साथ शादी करने को तैयार नहीं थी, अब बड़े बड़े घराने से रिश्ते आ रहे हैं। ये फोटो देखिए, इनमें से इसे जो भी पसंद आ जाए शादी करा देते हैं। वो तो लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जानम का क्या होगा? जानम? हाँ जानम, और ये शायद अरे बताना यार। पापा, जानम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो एक काम करो, तुम उसे फोन करो, मैं उसके माँ बाप से मिलता हूँ और ये रिश्ता पक्का कर देता हूँ। ये बात हुई ना, अरे इतना क्या शर्मा रहे हैं, जाके झाड़ी के पीछे फोन कर ले। हेलो जी, मैं विजय बोल रहा हूँ, जानम से बात कर सकता हूँ प्लीज? जानम हॉस्टल छोड़कर चली गई है। क्या, हॉस्टल छोड़कर चली गई है? उसने कुछ पता दिया? जी नहीं, मुझे कुछ बताकर नहीं गई है। मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा उसने? किसी के लिए कोई मैसेज नहीं छोड़ा है। नहीं? अच्छा, जानम कहाँ गई होगी? पापा, जानम हॉस्टल में नहीं है,
ना जाने कहां चली गई होगी। भाई किसी सहेली के पास या अपने घर चली गई होगी। ठीक है, मैं उसे ढूंढ कर लेकर आता हूं। हाँ हाँ। चल मुझे जरा जिम में छोड़ देना। चलिए। जानम का कुछ पता चला? जी नहीं, मैंने उसकी सहेलियों से भी पूछा मगर उसका कोई पता नहीं चला। मैंने भी हर जगह उसको तलाश किया, न जाने कहां चले गई है वो। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है? पता नहीं जानम कहां चली गई। अरे तो ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं तो होगी वो। हो सकता है अपने रिश्तेदारों के यहां चली गई हो सकता है अपने मां बाप के यहां चली गई हो। माँ बाप कहाँ रहते हैं उसके? पता नहीं, उससे कभी पूछा नहीं, शायद किसी और शहर में हो। अरे तो कोशिश कर, तू प्यार करता है ना उससे, वो जरूर मिल जाएगी तुझे। अगर जानम ना मिली तो मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। हर पल याद आती है उसकी मुझे। देखो भांजे, प्यार में ऐसा ही होता है, जो करता है वो भी रोता है, जो नहीं करता है वो भी रोता है। जाओ जाओ ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी तुम्हें, और मिलते ही उसे घर ले चलना, राजा साहब बहुत खुश हो जाएंगे।
दिल है खोया खोया जागा जागा सोया सोया कितने हुए दिन सनम जरा गिन 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 जुम्मा जुम्मा आठ दिन जुम्मा जुम्मा आठ दिन जुम्मा जुम्मा आठ दिन जुम्मा जुम्मा आठ दिन जब से ऐसी प्यार से जगी है जैसी नस नस में आग लगी है कितने हुए दिन सनम जरा गिन 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 जुम्मा जुम्मा आठ दिन जुम्मा 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 आठ दिन 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 कब से मीठा दर्द जगा है जाने कैसा रोग लगा है कब से ऐसी जगी है कैसी नस नस में आग लगी है हुए दिन गिन 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 जुम्मा जुम्मा आठ दिन जुम्मा जुम्मा आठ दिन जुम्मा जुम्मा आठ दिन जुम्मा जुम्मा आठ दिन जुम्मा जुम्मा हमारी बिटिया को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दूर जब से राजा साहब ने विजय को ठीक करने के लिए तुम्हें हॉस्टल में रखा था तब से कोठा सूना सूना हो गया था लेकिन अब तुम आ गई हो तो बस बाहर ही बाहर आ जाएगी घुंघरों की आवाज फिर से छनकने लगेगी यहाँ पर ये लो पहन लो इसे आज एक बहुत बड़ा सेट आने वाला है अगर तुम उसे भागी तो मुंह मांगी कीमत देगा हमारी रेशमा तवायफ को तवास की माँ होती है बाप का पता नहीं होता लेकिन मैं तो अपनी माँ को भी नहीं जानती जिसके पेट में बाप की तरह 9 महीने पलती रही मैं पैदा नहीं हुई पैदा की गई और अपने बाप से बचने के लिए अंधेरी रात में एक कचरे के डब्बे में फेंक दिया था मुझे उस माँ ने और तुमने मुझ लावारिस को उस कचरे के डब्बे में से उठाकर अपने सीने से लगा लिया तब मैं सिर्फ एक दिन की थी तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया बहुत एहसान है मुझ पर तुम्हारे तुम जिस किसी के सामने भी मुझे मुजरा करने के लिए कहोगे मैं करूंगी मगर मुझे किसी के साथ रात गुजारने के लिए मत कहना मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं तुमने मुझे विजय के पास भेजा मैं चली गई बगैर किसी लालच के वो बहुत अच्छा इंसान है मैं यहां से पाकीज़ा गई थी और पाकीज़ा ही लौटी हूं कोई भी तवायफ हमेशा के लिए पाकीज़ा नहीं रह सकती
मैं भी तेरी तरह पाकीजा रहने के सपने देखा करती थी। लेकिन एक दिन मेरी नत तुरवाई के लिए एक बहुत बड़े सेठ के पास मुझे बेचा गया और मैं उसी की होके रह गई जब तक कि वो जिंदा रहा। हमें अमीर जादों की रखेल बनकर ही जीना पड़ता है क्योंकि हम उनकी बीवी नहीं बन सकते। लेकिन हम तवायफ हैं, चकलों की इन रंडियों से बेहतर हैं जो रोज रात को एक नए आदमी को अपना जिस्म बेचते हैं, शम्मा की तरह जलते हैं। लेकिन मैं विजय से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। विजय मेरा पहला और आखिरी प्यार है। तुम्हें विजय को भूलना होगा, हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा। मैंने राजा साहब को वचन दिया है कि तुम विजय के सामने कभी नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है। ये ले घुंघरू और तैयार हो जा, सेठ को तेरे सी पाकीज़ा लड़की चाहिए। आज तो दो गुना दाम लूंगी तेरी नत तुड़वाई के। ये ले। बजते हैं मजबूर हमारे ये घुंघरू, अब तो है जीने के सहारे ये घुंघरू। I'm
वाह वाह। मुन्नी भाई, ये नगीना कहां से ढूंढ लिया? अरे जो हमें पसंद थी, वाह क्या बात है, उसे ढूंढ निकाला। मुन्नी भाई की कोठे पे देर है, अंधेर नहीं। 2 लाख और लगेंगे न तो तुरवाई के, वो भी नकद। 2 लाख? अरे बहुत कम कीमत लगाई है तुमने हमारे प्यार की मुन्नी भाई। ये लो, इस बैग में पूरे 5 लाख हैं। हर महीने और पैसे पहुंच जाए करेंगे मुन्नी भाई। शुक्रिया। हम तो चले अपनी जान के कमरे में। अलविदा अलविदा हरी जान, आ रहा हूँ। अरे मेरी जान, जा रहा हूँ, आ गए। लगता है ये तो पहले से ही तैयारी कर रही है। वाह, चुनरी के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे। वाह 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 वाह, चुनरी में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी। अरे रे रे गिर गई। वाह वाह, नारी लगता फ्रेश हो रही है, थोड़ा मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। साथ में नहाएंगे हम, तुम एक बाथरूम में बंद हो और साबुन आ जाए। सोचो जरा साबुन हो तो क्या हो, सोचो जरा साबुन हो तो क्या हो। हम तुम लाल चड्डी, कोई बात नहीं, इसको भी उतार दूंगा। जानम, अब हम दोनों साथ में नहाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुमको शर्म आ रही होगी, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। हे बड़े सर। अरे जी चमड़ी मियाँ जी, इस बैग में कुछ और नोट हैं क्या? नहीं, इसमें नोट नहीं है, दवाइयाँ हैं। ये देखिए। तुम कहाँ हो जानम? ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए जानम। हमारे शरीर पे साबुन मलो, अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से हमारे शरीर पे साबुन मलो। मैं हमेशा इन्हें अपने पास रखता हूँ, पता नहीं कभी इनकी जरूरत पड़ जाए। दरअसल क्या है, हमारे सरजी को पंगा लेने की बहुत आदत है। इस वजह से अक्सर मेरी पिटाई हो जाती है। आ, मेरी जानम, जानम देखो हमें बहुत ठंड लग रही है जानम। लगता तुमने अपनी आंखें बंद की हुई है। अपनी खोलो, खोलो जानम, आंखें खोलो और हमारे करीब आओ। देखो जानम, अभी हमें और तंग मत करो, नहीं तो हम अपनी आंखें खोल लेंगे। हम सिर्फ 3 तक गिनेंगे। जानम जानम जानम, आओ ना, हम आंखें खोल रहे हैं जानम। जानम जानम, मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, जानम भाग गई, जानम भाग गई, मुझे चूना लगाकर भाग गई। देखो रेशमा भाग गई, वैसे भी तुम्हें यहाँ ले आना, वरना मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। दफा हो जाओ। ये लीजिए सिर साहब, आप कपड़े पहन लीजिए। कहाँ गई? गई उधर ही गई। कौन थे वो लोग?
नहीं मालूम कहाँ चले गई थी तुम। बहुत दूर चली गई थी। अब अगर तुम न मिलते तो हमेशा के लिए चली जाती। मगर क्यों, मेरी मोहब्बत में कौन सी कमी आ गई थी जो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। तुम्हारी चाह, तुम्हारी पूजा, फिर कौन सी खता की है मैंने। जितनी मोहब्बत तुमने मुझे दी है इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं मिलेगी इस भागन को। लेकिन कौन है वो जो तुम्हें मुझसे अलग कर देना चाहते हैं, तुम्हारे माँ बाप। माँ को तो मैंने देखा नहीं, बाप कौन था मैं जानती नहीं। विजय मैं एक... नहीं, तुम लावारिस नहीं हो जाना। मेरे डैडी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। क्या? हाँ, तुमसे मेरी शादी करने के लिए राजी हो गए हैं वो। सच? विजय, 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 चले। विजय बहुत परेशान है जीजा जी, जानम उसे मिल नहीं रही है कहीं। अरे जिस लड़की के ना घर का पता है ना उसके माँ बाप का, मैं समझता हूँ कि हमारे बेटे के लिए उसका रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करना। गुड इवनिंग राजा साहब। आओ बेटी, आइए आइए। हेलो सर। हेलो जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, बैठो। कहिए मेरा साहब, कैसे आना हुआ? बोलो बेटी। अंकल, उस दिन आपके बेटे के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटी, उस वक्त तुमने उसके बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब सच था, लेकिन अब भगवान की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब तो कई घरानों से उसके लिए रिश्ते भी आने शुरू हो चुके हैं। राजा साहब, अब तो किरण भी विजय से शादी करने को तैयार है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच किरण? जी अंकल। भाई अगर दोस्ती जो है रिश्ते में बदल जाए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मुबारक हो राजा साहब। थैंक यू। हेलो पापा। आओ भांजे, आओ आओ। हाय विजय। हाय, इनसे मिलो, ये है जानम। हाय। मेरी होने वाली पत्नी। नमस्ते। और जानम, इनसे मिलो, ये है किरण, प्रिंसिपल साहब की बेटी। नमस्ते। बहुत अच्छी जोड़ी है। अच्छा अंकल, हम चलते हैं। अच्छा, नमस्ते। मैं बाद में मिलता हूँ, फोन करूंगा, बाय। कहाँ से मिली जानम? गुंडों से बचकर छुपी हुई थी, मैं घर ले आया। हाँ जानम, अब तुम जल्दी से अपने माँ बाप से हमारी मुलाकात करवा दो ताकि विजय से तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की हो जाए। इसके कोई माँ बाप नहीं है। कोई रिश्तेदार? वो भी नहीं है। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहती हो और क्या करती हो। जानम हॉस्टल में रहती है और सेल्स गर्ल है। मेरी हर बात का जवाब तुम क्यों दे रहे हो, इसे बोलने दो। बताओ कौन हो तुम और कहाँ रहती हो, बोलो, जवाब दो मुझे। जीजा जी, आप तो ऐसे लठ मार के सवाल पूछ रहे हो जैसे इस बेचारी ने कोई गुनाह किया हो, जुर्म किया हो। दिखाई नहीं देता, अच्छी खासी शरीफ लड़की है, मुझे तो इसमें कोई नुकसान नहीं। आप चुप रहिए, मैं इसकी जुबान से सुनना चाहता हूँ कि सच क्या है। बताओ सच क्या है। सच तो यह है कि मेरा असली नाम रेशमा है, मेरा घर एक कोटा है, मैं एक रात दुल्हन बनने के लिए पैसे लेती हूँ, मैं एक तवायफ हूँ। विजय, हम तवायफों की डोली नहीं उठती, सिर्फ जनाजे उठते हैं। हाँ विजय, मैं एक तवायफ हूँ। नहीं जानम, क्या तो ये सब झूठ है, क्या तो ये सब झूठ है। नहीं विजय, ये सब सच है, मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकती, मैं एक तवायफ हूँ विजय, मैं एक तवायफ हूँ। Thank you.
बोली रिश्मा पकड़ो उसे जाने दो भाई रिश्मा सीधी चल कोठे पर चल 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 भाई ने बुलाया चल चलो ये रही रेशमा बिल्कुल सही सलामत भाई जी मुझे मर जाने दो भाई जी मुझे मर जाने दो अगर मरने से चैन मिलता तो सभी मर गए होते और हर तरफ कब्रिस्तान ही होता हम तवायफों के सिर्फ आशिक होते हैं काबिल नहीं ये आज मुझे पता चल गया है कमबख्त क्या तू विजय से मिलने गई थी मैं तो अपनी इज्जत बचाकर जान देने जा रही थी विजय मुझे तुम्हारे आदमियों से बचाकर अपने घर ले गया राजा साहब के पास और जब विजय को पता चल गया कि तू एक तवायफ है तो उसने तुझे अपनाने से इनकार कर दिया तुझे ठुकरा दिया हाँ आज मुझे यकीन हो गया है कि कोठे से तवायफ की टोली नहीं सिर्फ जनाजा उठता है और ये भी यकीन कर ले कि तवायफों के शौहर नहीं खाविन नहीं सिर्फ भड़वे होते हैं भड़वे होते हैं सूरमा जी भाई जी रेशमा पे कड़ी नजर रखी जाए जी दोबारा भागने की कोशिश ना करें जी मैं केके सेठ से इसका सौदा कर चुकी हूँ वो दीवाना है इसका लाखों रुपए और लुटा देगा इस पर आप फिक्र ना कीजिए भाई जी अब चिड़िया पिंजरे से उड़ नहीं पाएगी सोने की चिड़िया है ना दे दी सदा
से कोई क्या खता, मुझे दर्द देकर मुझे क्या मिला। तुम्हारे मुन्नी भाई और वो लौंडिया बुलाओ ने। आ गई भाई जी। तुमने हमसे वादा किया था कि रेशमा विजय के सामने कभी नहीं आएगी, फिर ये सब कैसे हुआ? कहां है तुम्हारी जुबान, कहां है तुम्हारा वादा, बोलो। मैं तो अभी आपसे कह रही हूँ कि रेशमा विजय से मिलने नहीं गई थी। विजय खुद मेरे आदमियों की नजरों से बचाकर उसे अपने घर ले गया था, आपके घर की बहू बनाने के लिए। रेशमा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, लाखों रुपए कमा कर देती है मुझे। भला मैं अपनी सोने की चिड़िया को आपके लोहे के पिंजरे में किस तरह से बंद कर दूं? झूठ बोल रही हो तुम। अपने कोठे से हमारी कोठी की मालकिन बनाने के लिए
इस तोटके के लौंडिया को तुमने जान बूझ कर भेजा है। लौंडिया का नाम रेशमा है राजा साहब। हाँ रेशमा, उस जानम, एक झूठी तवाइफ की पाली हुई लौंडिया, हम अच्छी तरह जानते हैं। इस गुस्ताखी के लिए हम इस कोठे को जलाकर राख कर देंगे। आहिस्ता बोलिए राजा साहब, ये मेरा कोठा है, आपकी कोठी नहीं। आप इस शहर के मालिक जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस कूचे उस कोठे की मालकिन मैं हूँ, और इसे जलाने वाला खुद भी जलकर राख हो जाएगा। बदात औरत! तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो, उठा लो इन्हें, और इस लौंडिया को ले जाकर कहीं दूर गुम हो जाओ, ऐसी जगह जहां हमारे बेटे की नजर तक ना पहुंचे। हम उसे कह देंगे कि इसने खुदकुशी कर ली है। मैं रेशमा को गुमनामी की जिंदगी नहीं देना चाहती। मैं एक तवायफ हूँ, भीख मांगना मेरा पेशा नहीं। भीख नहीं, हम सौदा कर रहे हैं तुमसे, इस लौंडिया को हमारे बेटे से दूर रखने का। एक महफिल की शमा को हम अपने घर का चिराग कभी नहीं बना सकते, हरगिज नहीं। वाह राजा साहब वाह, पहले तो आपने ये सौदा किया था कि रेशमा आपकी बेटी के साथ रहे, उसे प्यार करे, उसे एक मर्द बनाए, ताकि एक अमीर घराने में उसकी शादी हो। आप रईसों के खेल भी क्या निराले हैं। अब आप ये सौदा करने आए हैं कि रेशमा और विजय एक दूसरे से अलग हो जाएं, ताकि रेशमा एक गुमनामी की जिंदगी बसर करे। नहीं राजा साहब, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं रेशमा का सौदा कर चुकी हूँ और वो इसी शहर में रहेगी। तो फिर हमारा फैसला भी सुन लो, दोबारा रेशमा ने अगर विजय से मिलने की कोशिश की तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रेशमा आपके बेटे से नहीं मिलेगी, रही धमकी की बात, वो मैं भी दे सकती हूँ। आप अपने नोट ले जा सकते हैं। कोठे के फर्श पर बिछे हुए नोटों से हम अपने घर को नापाक नहीं कर सकते, समझ लो ये हमारी तरफ से बख्शीश है। कितना घमंड है राजा साहब को। आदाब मुन्नी भाई। अब आप कौन सी धमकी देने आए हैं मुझे हुजूर? मैं कोई धमकी उमकी देने नहीं आया हूं मुन्नी भाई, मैंने राजा साहब के साथ आपकी सारी बातें सुन ली हैं। बहुत जुल्म हुआ है विजय के साथ। कोई जुल्म नहीं हुआ है, राजा साहब अपने बेटे को एक मर्द बनाना चाहते थे, सो उन्होंने बना दिया। विजय जानम से मोहब्बत करने लगा है, ये उसकी पहली मोहब्बत है जो बहुत खतरनाक हो सकती है। विजय जानम से प्यार करता है, रेशमा से नहीं। विजय को पता चल गया कि जानम एक तवायफ है, अब ये मोहब्बत जो है नफरत में बदल जाएगी। वाह जानम वाह, तुमने विजय से प्यार का स्वांग रचाया और वो सच समझ बैठा। गलती मेरी भी थी, मैं भी तुम्हें पहचान ना सका, कितनी असली एक्टिंग की तुमने। तवायफ हो ना, तवायफों का काम होता है झूठी मोहब्बत करना, ग्राहकों का दिल बहलाना, नहीं तो हम तवायफों के कोठे कैसे आबाद होंगे वीरू सेठ। तवायफ सिर्फ पैसे से सच्चा प्यार करती है, और मैंने पैसों की खातिर झूठा प्यार किया। झूठ बोल रही हो तुम, तुम झूठ बोल रही हो। खाओ मेरे सर की कसम कि ये झूठा प्यार था, खाओ मेरे सर की कसम। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम विजय से प्यार करती थी और करती हो, लेकिन मजबूर हो राजा साहब के डर से और मुन्नी बाई के खौफ से। मैं तुम्हें एक पल भी इस दोजख में नहीं रहने दूंगा, आओ मेरे साथ। नहीं, आखिर आप चाहते क्या हैं? कि मैं अपना धंधा बंद कर दूं, इन लड़कियों को प्यार करना सिखाऊं, ताकि भाग भाग की शादी करें? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुन्नी बाई के कोठे से जो साली निकलेगी उसे जिंदा गाड़ दूंगी। और आपसे भी कह रही हूँ कि अगर आपने रेशमा को वर गलाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं इसे नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले कि मेरी खोपड़ी घूम जाए, चले जाओ यहाँ से। सूरमा जी, भाई जी, सेठ जी को शराफत से बाहर का रास्ता दिखाओ। चलिए। मुन्नी भाई, इस बार तो मैं शराफत से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन लौट के जरूर आऊंगा। सूरमा जी, जितने भी नोट यहाँ पड़े हैं उठाकर गरीबों में बांट दो। जो हुकुम भाई जी। कसूर तो मेरा ही था जो मैं राजा साहब की बातों में आ गई
और तुझे विजय के इतने करीब आने दिया। लेकिन याद रखना, अगर तूने मेरे साथ कोई भी बेईमानी की तो फिर तू मेरी जात से अच्छी तरह वाकिफ है। ना मैं तुम्हें अकेला छोड़ता और ना तुम एक तवायफ के चक्कर में फंसते। बेटा, मैं मानता हूं कि गलती मेरी है, मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी किरण से होगी। वो एक बहुत अच्छे खानदान की लड़की है बेटा। लेकिन आप क्या हैं? ये मुझे आज पता चल गया, बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हैं आप। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बंद करो अपनी जुबान, तुमने बहुत पी रखी है। हाँ, पी तो रखी थी, सब उतर गई आपको मुन्नी भाई के कोठे पर देखकर। वाह 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 वाह, कैसे सौदागर हैं आप, क्या कहने। मुन्नी भाई से खरीदा था आपने जानम को, विजय के साथ प्यार का नाटक करने के लिए। हाँ, तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करने के लिए, ताकि तुम मर्द बन सको। और आज फिर गए थे ये मुन्नी भाई के कोठे पर सौदा करने कि जानम तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए, वरना ये उसका खून कर देंगे। पापा, क्या ये सब सच है? हाँ, ये सच है, और मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया है। कोई भी लड़की तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर ने हमसे कह दिया था कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई तो तुम एक अधूरे इंसान रह जाओगे। मैं घबरा गया बेटे, मैंने सोचा जिंदगी भर मेरा बेटा कुंवारा रह जाएगा और हमारा वंश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे ये ठोंक करना पड़ा, क्योंकि एक तवायफी इस काम को कर सकती थी। मैंने जानम का सहारा लिया। हाँ, यह सच है। तो क्या जानम मुझसे झूठा प्यार करती रही, मेरे दिल से खेलती रही? हाँ बेटे, सिर्फ पैसे के लिए उसने तुमसे झूठा प्यार करने का नाटक किया। नहीं, जानम तुमसे सच्चा प्यार करने लगी है। सच अंकल? हाँ, लेकिन वो राजा साहब के खौफ और मुन्नी भाई के जुल्म से डरती है। पापा, आपने मेरे इलाज के लिए जानम को जरूर खरीदा था, लेकिन अब जानम मेरी जिंदगी बन गई है। अब जानम इस घर की बहू बनेगी। हरगिज़ नहीं, एक बाजारी काली हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। ठीक है, इस घर की बहू ना सही, लेकिन जानम मेरी बीवी जरूर बनेगी। माँ बाप बच्चे इसलिए पैदा नहीं करते कि वो उनके दिल को चोट पहुंचाए। जो चोट आप विजय के दिल को देना चाहते हैं वो आपके दिल के चोट से कहीं ज्यादा गहरी है। जीजा जी, अपना लो जानम को। नहीं, कभी नहीं। ये नाचने वाली का कोठा नहीं है, हमारी कोठी है ये। यहां हमारी बहू की पायल की आवाज सुनाई देनी चाहिए हमें, किसी तवायफ के घुंघरू की आवाज नहीं। जानम सिर्फ एक सपना था, भूल जाओ उसे। जानम एक हकीकत है, और मैं उसके और आपके बेटे के प्यार को अफसाने में बदल दूंगा, जिससे दुनिया का हर प्यार करने वाला इबरत हासिल करेगा। बंद करो अपनी जुबान और निकल जाओ इस घर से। लावत, जा रहा हूं मैं, लेकिन विजय मेरे साथ जाएगा। चलो विजय। तुम नहीं जाओगे यहां से। चलिए वीरू अंकल। विजय रुक जाओ, विजय मैं कहता हूं रुक जाओ। विजय, मेरे घर के चिराग ने मेरे ही घर को आग लगा दी। नहीं, मैं इसके साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। जाएगी कैसे? नहीं, मैंने के सेठ के साथ नत उतरवाई की रस्म मंजूर की है। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपना जिस्म बिकने नहीं दूंगी, नहीं बिकने दूंगी। हर्राफा, जवान चलाती मेरे सामने। अच्छा, अब तू मुझे मारेगी? हाँ, घबरा मत भाई जी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम्हें तो इस नर्क में सड़ना है, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। रुक जाओ जानम, तुम्हें जीना है जानम, तुम्हें अपने विजय के लिए जिंदा रहना होगा। अच्छा है आप दोनों मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए आए। क्या बकती हो? चले जाओ तुम लोग यहाँ से, वरना तुम दोनों की लाशें पुलिस तक को भी नहीं मिलेंगी, समझे?
सर जी लगता खून खराबा होने वाला, भाग लेते। खामोश, हम जानम के बगैर नहीं जाएंगे यहाँ से। जानम मेरे साथ जाएगी। जानम मेरे साथ जाएगी। चिल्ला मत, ये किसी तवायफ का कोठा नहीं है, शरीफ जादे का घर है। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी आवाज से। तुम एक खुदगर्ज और घटिया किस्म की तवायफ निकली। हमने अपने बेटे की जिंदगी संवारने के लिए तुम्हारी मदद ली थी, लेकिन तुम और तुम्हारी रेशमा ने मेरे बेटे को अपने जाल में फांस कर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। जिंदगी तो मेरी तबाह की है आपके बेटे ने। मेरे कोठे पर आकर मार पीट करके रेशमा को भगा कर ले गया, शादी के लिए, आपकी कोठी की शान बढ़ाने के लिए। क्या भक्ति हो, मेरे जीते जी मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं कब चाहती हूँ कि वो ऐसा करे। मैं तो के सेठ से रेशमा के लिए एक मोटी सी रकम ले चुकी हूँ, वो उसे अपनी रखेल बनाना चाहता है। मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूँ कि एक दिन मेरे कोठे पर आकर आपने मुझे धमकी दी थी कि अगर रेशमा विजय से मिली तो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और अब मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अगर आपके बेटे ने मेरी रेशमा को नहीं लौटाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दो टके की तवायफ की ये जुर्रत, मेरे बेटे पर बुरी नजर डालने वालों की मैं आंखें निकाल लेता हूँ। इससे पहले कि तुम्हें जिंदा कर दूं, अपने भड़ुओं को लेकर यहां से निकल जाओ। भगाओ जाओ यहां से। गेट आउट। ये थप्पड़ आपको बहुत महंगा पड़ेगा राजा साहब। गेट आउट। तवायफ ने मेरे घर में आके मुझे धमकी दी है कि वो मेरे बेटे को जान से मार डालेगी, मगर मैं अपने बेटे पर आंच भी नहीं आने दूंगा। विजय, सब कुछ जाने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो, एक तवायफ से प्यार करते हो? जानम, तवायफ होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर जो औरत है वो पाकीज़ा है खुदा के नाम की तरह। तुम मेरी जिंदगी हो जानम। लेकिन विजय, राजा साहब तो मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझे तुमसे जुदा कर देंगे। लेकिन मैं तुम दोनों को जुदा नहीं होने दूंगा। मैं तुम दोनों की शादी करा के ही रहूंगा, चाहे राजा साहब मेरी जान क्यों ना ले लें। जान तो मैं विजय की लूंगी, अगर तुमने जानम को मेरे साथ आने नहीं दिया। और तू, तुम्हें जात से वाकिफ न कुत्ते, हराम जादे, थू। जानम चल मेरे साथ। जानम यहाँ से नहीं जाएगी। बकवास करेगा ना तो गोली चढ़ा दूंगी। मुन्नी बाई, जब ये पैदा हुआ था तब तूने इसे अपनी गोदी में लेकर लोरी सुनाई थी,
छोटे राजा को लग जाए हमारी उमरिया, अब तू इसकी जान लेना चाहती है? तू ऐसे हट जा, वरना तुझे भी गोली मार दूंगी। तू मुझे मारना चाहती है ना? चला गोली चला, न जाने कितने घर बर्बाद कर चुकी है तू, न जाने कितनी मासूम लड़कियों को मर्दों की हवस का शिकार बनाकर पैसा कमाया है तूने, कितने पाप किए हैं तूने, तुझे इसका एहसास है? अरे तू औरत नहीं, औरत के नाम पर धब्बा है, कलंक है तू। किस मुश्किल से छुड़ा कर लाए थे हम जानम को तेरे पिंजरे से, और अब तू मुट्ठी भर पैसे के लिए जानम को फिर उसी पिंजरे में बंद कर देना चाहती है अपनी तरह घुट घुट के मर जाने के लिए? अरे तेरा घर तो बस ना सका, कम से कम जानम को तो अपना घर बसा लेने दे मुन्नी भाई, जानम को अपना घर बसा लेने दे, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। मुन्नी भाई, जब भगवान ने यह रिश्ता मंजूर कर दिया तो आप क्यों हम दोनों को जुदा करना चाहती हैं? मान जाओ मुन्नी भाई, जितने रुपए चाहो मुझसे ले लो, कहो तो पूरा घर बार तुम्हारे नाम कर दूं। मान जाओ मुन्नी भाई, औरत का दिल मोम की तरह होता है, पत्थर दिल ना बनो। भले ही तुमने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन तुमने पाला तो एक माँ की तरह ही है। तुमने चाहे जानम को अपना दूध न पिलाया हो, लेकिन अपने लाड़ और प्यार से पाला है इसे। जानम की शादी विजय से करा दो मुन्नी भाई। हाँ मुन्नी भाई, अपने हाथों से इसका कन्यादान कर दो, एक माँ का हक अदा कर दो। हाँ मैं माँ का हक अदा करूंगी, मैं तेरी शादी विजय के साथ ही करूंगी, और किसी के साथ तेरी शादी नहीं होने दूंगी। मैं माँ का हक अदा करूंगी, मुझ में ममता है, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। मैं करूंगी तेरी शादी धूमधाम से, और तेरी शादी सिर्फ विजय से ही होगी, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं। जानम का सौदा हो चुका मुन्नी भाई, मुंह मांगी रकम दे चुका हूं मैं। के सेठ, मैं तुम्हारी सारी रकम सूद समेत तुम्हें वापस दूंगी, लेकिन तुम जानम को छोड़ दो, अगर जानम की शादी होगी तो सिर्फ विजय के साथ होगी। जानम को मेरे सिवा को छू भी नहीं सकता। जानम को हाथ लगाने वाले के हाथ मैं तोड़ दूंगा। तू तोड़ेगा? कोई आगे नहीं बढ़ेगा कोई। देखो के सेठ, मार पिटाई से कोई फायदा नहीं है, ले जाओ जानम। आगे मत बढ़ना, ये चाल बहुत पुरानी हो चुकी है, कोई भी आगे बढ़ा तो भून के रख दूंगा मैं। नहीं विजय, घेरो इन सबको, चल छोड़ दो इस लड़की को। इस बच्चे को हाथ लगाने वाले को मैं जिंदा गाड़ दूंगा। जानम हमारी होने वाली बहू है। Thank you.
जानम, मेरे साथ चलो, केके सेठ तुम्हें पैसा दे चुका है, कम ऑन। चट दल्ले दल्ले, मुझे तुम दल्ला बोलते? हाँ। मेरे जैसा साधु को तू दल्ला बोलने लगी? हट थू थू। मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरी बॉडी को हाथ मत लगाना, जो काम तुम करना चाहते हो मैं खुद करूंगा। ये ले, ये ले, ये मार दिया, ये ले। मेरे बदन में जान होती तो मैं बता रहा तुमको। आदे, जब तक तू जिंदा है जानम मेरी नहीं हो सकती। सारी ये तुमने क्या किया मुन्नी भाई? मेरे बेटे को बचाने के लिए तुमने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। राजा साहब, जब विजय पैदा हुआ था ना, तो मैंने इसे अपनी गोद में लेकर लोरी गाई थी। मुन्ने राजा को लग जाए मेरी भी उमरिया, बड़ा होके लाए चंदा सी दुल्हनिया, फिर मांगूंगी हीरे की कंगना। मैंने मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। देखिए, मेरी जान भी गई तो ना आपकी कोठी पर और ना मेरे कोठे पर। मां, मां, नहीं।